क्या ये दुनिया हमेशा से वैसी थी जैसी आज हम देखते हैं? जवाब है नहीं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो प्रकाश और अंधेरा दोनों साथ में निकले। आप इस पर मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया जैसी बातों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन आज से लाखों लाखों सालों पहले जब हर जगह बस अंधेरा था, तब कुछ समय बाद साउथ से फायर आई और नॉर्थ से बर्फ, और जिस जगह पर ये दोनों लोग मिले ठीक उस जगह जन्म हुआ लाइफ का, जहाँ पर एल्फ्स और जायंट्स बने, डॉर्व्स और गॉब्लिन बने, गॉड्स और इंसान बने, और इस तरह से रियल्म्स का निर्माण हुआ। ये पूरी 10 रियल्म हुआ करती थी। इन सभी 10 रियल्म को एक वर्ल्ड ट्री अपने से जोड़कर रखता है, और आज की ये कहानी इन्हीं 10 रियल्म की है, जहां इन्हें एक सन की एल्फ्स के बदले और उसके पूरे दुनिया पर कब्जे के लालच ने बर्बाद कर दिया। ये कहानी एक वॉर की है जो कि इन 10 रियल्म्स में हुई। तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए थॉर के कॉमिक्स को लेकर आए हैं। लेकिन थॉर की इस स्टोरी से पहले के कुछ और इवेंट्स भी हो चुके हैं, और ये कहानी उनके बाद की है, जिसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं। निक फ्यूरी के गौर सही था कहते ही थॉर अनवर्दी हो चुका था, पर जेन फॉस्टर नई थॉर बनी। उसी वक्त मैंगॉक, जिससे हर एस्गार्ड वासी डरता है, उसने एस्गार्ड पर हमला कर दिया। वॉल्स्टैग वॉर थॉर बना, लेकिन वो भी मैंगॉक के सामने नहीं टिक पाया। तब जेन और थॉर ने मिलकर मैंगॉक को एक सन में फेंक दिया, और इस जंग में म्योनियर टूट गया। लेकिन एस्गार्ड के तबाह होते ही उसके सबसे पुराने दुश्मन एक्टिव हो गया। मैंगॉक के साथ हुई लड़ाई में बाइफ्रॉस्ट, वो सतरंगी चमचमाता ब्रिज जिससे एस्गार्ड का बाकी रियल्म्स पर कंट्रोल था, वो उस ब्रिज से कहीं भी आया जा सकते थे, वो अब टूट चुका था। और इसी चीज का फायदा उठाया मेलिकेथ ने। एस्गार्ड के कमजोर पड़ते ही उसने बाकी के रियल्म्स को जीतना शुरू कर दिया, और अब सबकी सब रियल्म्स मेलिकेथ के कंट्रोल में आ चुकी थी, और यहाँ एस्गार्ड को उसकी भनक भी नहीं लगी। पर मेलिकेथ ने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हासिल कर लिया, तो मैं बताता हूँ। उसने एस्गार्ड के बाइफ्रॉस्ट की तरह ही एक नया ब्लैक बाइफ्रॉस्ट बना लिया, जिस वजह से वो और उसकी आर्मी कहीं भी आसानी से मूव कर सकती थी। और अब बस एक रियल्म बाकी है जिसका नाम है मिडगार्ड। पर अब वक्त इतना नहीं रहा कि मिडगार्ड के हीरोज मेलिकेथ को हराने के लिए उसके रियल्म में जा सकें, बल्कि अब तो खुद वॉर मिडगार्ड पर आ चुकी है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. वॉर भले ही शांति लाने जैसे थॉट से शुरू होती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वॉर कभी भी शांति नहीं लाती, वो सभ्यताओं को उजाड़ कर रख देती है। आज एल्फ्स के गार्डन देखो, वो उतने सुंदर नहीं रहे जितने कि कभी वो हुआ करते थे। गॉड ऑफ वैनिर को तो उन्हीं के टेम्पल्स में कैद करके रख दिया है, और इन सब रियासतों में सबसे शक्तिशाली एस्गार्ड रियासत, आज वो भी मैंगॉक के हमले के बाद खुद को संभाल नहीं पाई है। रेनबो ब्रिज के टूटने के बाद वो तो मानो बाकी के 10 रियल्म से कट चुके हैं। यहाँ तक कि एस्गार्ड का राजा आल फादर ओडेन, जो कि अपनी बहादुरी और अपनी ओडेन स्लीप के लिए जाना जाता था, वो आज इतना रेस्टलेस हो चुका है कि उसे नींद भी नहीं आ रही है। ओडेन के जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कारण आज उसका साथ उसकी पत्नी फ्रेगा भी छोड़ चुकी थी, और वो कुछ एस्गार्डियंस को लेकर अर्थ पर चली गई थी। ओडेन कहता है, यहाँ इस महल में कभी भी इतनी शांति नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज है। उसके साथ मेरे एस्गार्ड वासी और मेरा बेटा थॉर सब चले गए हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ हलचल की आवाज आती है, जिस पर ओडेन कहता है, वहाँ कौन है? क्या मेरा बेटा थॉर मुझसे मिलने आया है? पर ओडेन गलत थे, ये डार्क एल्फ मेलिकेथ के थे। उनमें से एक एल्फ ने कहा, नहीं परम पिता, यहाँ आज कोई थॉर नहीं आया है, बल्कि आपके लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। ऐसे गिफ्ट जो आज आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, ताकि आप सदा सदा के लिए सो सकें। इतना सुनते ही ओडेन एकदम से चिल्लाते हैं, हत्यारों, तुमने क्या सोचा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि तुम यहाँ मेरे ही महल में मुझे हरा दोगे? इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतना दम बाकी है कि ये अभी ओडेन की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि एक डार्क एल्फ ने अपनी तलवार ओडेन के पेट में घुसेड़ दी। ओडेन अब जमीन पर गिर जाते हैं। डार्क एल्फ वहां से ये कहते हुए चले गए कि अब सो ओडेन तुम,
हम प्रे करते हैं कि तुम्हारे सपने चीखों से भरे हुए होंगे। इधर थॉर एसगार्ड से काफी दूर मिडगार्ड पर अपने डॉग थॉरी के साथ खड़ा था। उसे अभी अभी एसगार्ड में उसके फादर के साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। म्योनियर के टूटने के बाद थॉर ने स्क्रूब्रियर नाम के बौने से बहुत से हैमर बनवाए, जो कि म्योनियर जितने पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन थॉर उनसे अपना काम चला ही लिया करता था। थॉर यहाँ से रोज अपना एक हैमर को फेंका करता था, इस उम्मीद में ताकि उनमें से कोई एक तो हैमर ऐसा होगा जो बाकी की रियल्स में जाने का रास्ता खोज लेगा। पर उसके फेंके हुए कोई भी हैमर वापस नहीं आए, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ क्रैश करते हुए गिरता है। थॉर को लगा कि ये उसका कोई हैमर है, पर ये तो लोकी था। लोकी ने आते ही कहा, भाई अब बहुत देर हो चुकी है, मैं वॉर ऑफ रियन को नहीं रोक पाया, उसे नहीं रोका जा सकता है भाई। थॉर ने लोकी को देखते ही पूछा कि उसका ऐसा हाल किसने किया है और लोकी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लोकी कहता है, भाई मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे रोक सकूं, मैं तो उसके साथ भी हो लिया ताकि जंग को रोका जा सके, लेकिन उसने मेरी इस चाल को समझ लिया और मुझे यहाँ पर फेंक दिया। थॉर ने पूछा, किसने किया? लोकी ने जवाब दिया, वो डार्क एल्फ का मास्टर मेलिकिथ है भाई। अब वो अपने मॉन्स्टर आर्मी के साथ जहाँ भी जाता है उस जगह को बस तबाही मचाता है। मेरे भाई हमें उसे रोकना होगा। थॉर लोकी से आगे कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर मेलिकिथ के डार्क एल्फ लोकी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं। थॉर भी अपने नए हैमर को बुलाता है और एक ही झटके में मेलिकिथ के उन डार्क एल्फ्स को हरा देता है। थॉर कहता है, तुम जाकर अपने मास्टर से कह दो कि या तो वो मुझसे खुद आकर मिले, नहीं तो मैं उसके यहाँ आऊँगा और जब मैं वहाँ आऊँगा तो मेरी थंडर गरजेगी। थॉर लोकी से कहता है, अब उठ भी जाओ लोकी, हमें ये सब खत्म करना होगा। लेकिन लोकी वहीं पर पड़ा रहता है। थॉर कहता है, तुम मुझे मेलिकिथ के पास लेकर चलो, जिस पर लोकी थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, लेकिन बिना बायफ्रॉस्ट के मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? जिस पर थॉर कहता है, मैं जानता हूँ कि मेलिकिथ ने अपने ही बायफ्रॉस्ट बना लिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसको एक्सेस ना कर पाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर उसी का तो इस्तेमाल कर तुम यहाँ पर आए हो। थॉर का डॉग थोरी लोकी को स्मेल करके थॉर को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन थॉर का ध्यान बस लोकी पर था। थॉर ने लोकी को गर्दन से उठाते हुए कहा, तुम मुझे मेलिकिथ के पास लेकर चल रहे हो या नहीं? जिस पर लोकी दोबारा पिटने से बचने के लिए कहता है, ठीक है भाई मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूँ, और लोकी थॉर को वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन थोरी थॉर को कब से एक बात समझाना चाह रहा था कि थॉर जिस लोकी को लोकी समझ रहा था वो लोकी नहीं था, बल्कि उसके भेष में कोई और था। लोकी भी थॉर को लेकर एक जगह टेलीपोर्ट हो चुका था, जो कि देखने में बिल्कुल भी मेलिकिथ का रियल नहीं लग रहा था। थॉर कहता है, लोकी तुमने उसे एक बार फिर से धोखा दिया है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तो लोकी ने कहा, भाई तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वॉर के सेंटर में जाना है, तो देखो मैं तुम्हें वॉर के सेंटर में ले आया। ये है यूटनहाइम, और यहीं से मेलिकिथ ने जंग की शुरुआत की थी। इतना कहते ही लोकी अपने असली रूप यानी कि मेलिकिथ के रूप में आ जाता है, मतलब कि अब तक थॉर मेलिकिथ के ही साथ था और वो उसे लोकी समझ रहा था। यूटनहाइम फ्रॉस्ट जायंट्स की रियल्म है, और देखते ही देखते वहां पर फ्रॉस्ट जायंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। थॉर कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेलिकिथ, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और मेलिकिथ वहां से ये कह के चला जाता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है थॉर। और अब थॉर उन फ्रॉस्ट जायंट्स की दुनिया में फंस चुका था। इधर मिडगार्ड पर स्पाइडरमैन रात में चक्कर लगाने के लिए निकला था कि उसे एक छत पर हलचल नजर आती है, और जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, फ्रेगा ऑल मदर ऑफ एसगार्ड डार्क एल्फ्स से लड़ रही है। स्पाइडी भी फ्रेगा का साथ देता है उन डार्क एल्फ्स को हराने में, और उन दोनों की वजह से डार्क एल्फ्स वहां पर मारे जाते हैं कि तभी वहां पर बाकी के एसगार्डियंस भी आ जाते हैं। एक एसगार्डियन वॉरियर स्पाइडी को देखकर कहती है, ओडेन की कसम ये कैसा मॉन्स्टर है, इसे मार डालो इससे पहले कि ये अपने अंडे दे।
तो स्पाइडी कहता है, मेरे अंडे को कुछ मत करना चंडाल औरत। पर तभी लेडी सिर्फ बताती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये मैन ऑफ स्पाइडर है। हमने थॉर से इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और ये यहाँ का रहने वाला है। जिसपे स्पाइडी फ्रेगा को देखकर कहता है, आपको देख के लगता है कि आप जरूर थॉर की माँ होंगी, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। जिस पर फ्रेगा कहती है, एक जंग आ रही है जिसे उन्हें रोकना होगा। तो स्पाइडी कहता है, ठीक है तो हम उसे रोकने के लिए चलते हैं। तो फ्रेगा कहती है, ये जंग के लिए हमें कहीं जाना नहीं होगा, बल्कि वॉर हम तक पहुंच चुका है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो इसे हम जीत सकेंगे, नहीं तो हमारा भी वही हश्र होगा जो कि बाकी की 9 रियासतों का हुआ है। वहीं अब अर्थ पर मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वॉर ऑफ रियल्स के बारे में पता चल चुका था। मैन विदाउट फियर डेयर डेविल भी उसे इस जंग के निशान के सेंस हो रहा था। लोगन को भी इंसानों के बीच में डार्क एल्व्स की महक साफ साफ समझ आ रही थी। और पनिशर जो कि किसी क्रिमिनल को पनिश करने वाला था, उसे भी अपने आस पास कुछ डार्क एल्व्स की हलचल नजर आ गई थी। और फिर हम क्या देखते हैं, पूरे शहर में फ्रॉस्ट जायंट्स, फायर डीमंस, डार्क एल्व्स का हमला हो चुका है। और यहीं से मेलिकिथ का वॉर ऑफ रियल मिडगार्ड पर भी आ चुका है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसे घूमते हुए मॉन्स्टर्स को अब हीरोज ने भी देख लिया था, इसलिए वो जो भी कोई पास में था वो सिचुएशन को संभालने के लिए आ चुका था। ब्लैक पैंथर, शी हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल मेलिकिथ की आर्मी से लड़ने के लिए आ चुके थे। पर उनमें से अभी किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार एकदम से ये लोग यहाँ पर अटैक कर क्यों रहे हैं। पर तभी वहाँ पर एस्गार्डियंस भी आ जाते हैं। कैप्टन उनसे पूछता है कि वो कौन है और किसकी साइड है। तो फ्रेगा उनसे कहती है, मैं फ्रेगा हूँ, थॉर की माँ। ये जंग उनकी है जो कि आज उन्हें मिडगार्ड पर लड़नी होगी, इसलिए जितने लोग लड़ सकते हैं उन्हें साथ में लड़ना होगा। तुम लोग को मेरे बेटे थॉर ने 10 रियासतों के बारे में कभी ना कभी तो बताया ही होगा। तो अब उन रियासतों पर मेलिकिथ ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया है और अब उनका टारगेट मिडगार्ड यानी कि अर्थ है। कि तभी वहाँ पर मेलिकिथ भी आ जाता है। वो कहता है, मुझे तो लगा था कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मिडगार्ड के लोग मेरा सम्मान करेंगे, वो अपने लॉर्ड ऑफ मिडगार्ड का स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा चल रहा है। ये मिडगार्डियन चूहे ये समझते हैं कि हमारी सेना को वो हरा देंगे, वो उनका सामना कर पाएंगे। आहा, कितने पागल लोग हैं ये। कि तभी कैप्टन की शील्ड सीधा मेलिकिथ के मुंह पर लगती है। कैप्टन कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसे जंग लड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। हमने तुमसे पहले भी तुम्हारे जैसों का सामना किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से खुद चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से भगा कर रहेंगे। और इतना कहकर कैप्टन कहते हैं, अवेंजर्स असेंबल। इधर फ्रॉस्ट जायंट का किंग लॉफी भी फ्रेगा को अपने हाथ से उठाते हुए कहता है कि उसने आज तक किसी ऑल मदर को नहीं खाया था, पर आज वो उसे खाकर जानेगा कि ऑल मदर का स्वाद कैसा होता है। तो फ्रेगा कहती है कि उसके पति ओडेन ने लॉफी की जान बख्श कर बहुत बड़ी गलती की थी, ओडेन को तो तभी लॉफी को मार देना चाहिए था। जिस पर लॉफी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर ओडेन वाली गलती को नहीं दोहराऊंगा। पर जैसे ही लॉफी फ्रेगा को खाने वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ काट देता है, जिससे फ्रेगा लॉफी के हाथ से आजाद हो जाती है। ये लोकी था जिसने लॉफी का हाथ काट कर फ्रेगा को बचाया था। लेकिन तभी मेलिकिथ वहां पर आता है और कहता है कि लोकी आखिर चाहता क्या है, उसे तो एस्गार्डियन को हराना है, वो सभी को खत्म कर देना चाहता है। और आज जब एस्गार्ड की ऑल मदर मरने वाली थी तो उसने ऐसा होने से रोक दिया। जिस पर लोकी ने कहा, वो भले ही एस्गार्ड की बर्बादी चाहता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि एस्गार्ड के लोग मारे जाएं। और रही बात ऑल मदर को बचाने की, तो भले ही वो उनकी कोख से नहीं जन्म लिया है, लेकिन वो उनको अपनी माँ मानता है और उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और लोकी को उठाते हुए कहता है, लोकी उसके वंश के नाम पर कलंक है, जिसे आज लॉफी मिटा कर रहेगा। और इतना कहते ही लॉफी अपने ही बेटे लोकी को खा जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई कैसे इस तरह से अपने ही बेटे को खा
खा सकता है। तो आयरन मैन कहता है, दोस्तों उस जायंट ने अपने ही बेटे को खा लिया है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है। और जरा ऊपर देखो, एक पोर्टल से यहाँ पर कुछ अजीब चीजें नीचे की ओर गिर रही हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने जब भी देखा है तो हमारा साथ देने के लिए थॉर यहाँ पर हुआ करता था, पर आज यहाँ पर थॉर क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि यह वही है जो हमारी इस जंग को जीतने में मदद कर सकता है। और टोनी की बात एकदम सही भी थी, उन सभी को थॉर की बहुत जरूरत है। पर थॉर मिडगार्ड से दूर यूटेनहाइम में एक अलग ही जंग लड़ रहा था। वो उन सभी फ्रॉस्ट जायंट्स को मारते हुए कहता है, तुम जितने आ सकते हो उतने आओ, मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। पर थॉर यूटेनहाइम से मिडगार्ड पर कैसे आएगा, और क्या मिडगार्ड भी बाकी के रियल्स की तरह हार जाएगा? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगला एपिसोड अगर आप इसका देखना चाहते हैं या नहीं ये भी बताना मत भूलिएगा। आपके रिस्पॉन्स पर ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड ला पाऊंगा। तो जितने कमेंट्स और लाइक होंगे मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करने में उतनी ही जल्दी करूंगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।